सोशल जस्टिस के नाम पर इंडिया गठबंधन की जो एक जुगलबंदी थी लोकसभा चुनाव में, ये भाई बीजेपी अगर इतने बड़े प्रचार तंत्र के साथ, स्टार प्रचारकों के साथ, अगली पात के नेताओं के साथ, नितिन गडकरी जैसे नेताओं के साथ आपका फूला हुआ गुब्बारा फोड़ने पर लगी है मनोज सिंह काका? नहीं, हमारा फूला हुआ गुब्बारा कहां फूटेगा, जिस गुब्बारे में ज्योतिबा फूले की भरी हुई हवा हो, जिस गुब्बारे में बाबा साहब अंबेडकर का, जिस गुब्बारे में डॉक्टर लोहिया का वो संकल्प है, किसन सोपा ने बाधी घाट पिछड़े पावे सौ में साठ, तो उसको कहां कोई फोड़ सकता है। और नितिन गडकरी को समाज के बारे में, कुछ लोगों को ये क्या होता है कि आर्थिक जानकारी होती है, सामाजिक राजनीतिक जानकारियां कम होती है। नितिन गडकरी से अगर मैं पूछूं, समाजवादी पार्टी ये सवाल करे कि इस देश में किसने जाति बनाई कि ब्राह्मण ही जाएगा मंदिर, इस देश में किसने जाति बनाई कि मरे हुए आदमी को आग डोम लगाएगा, इस देश में जाति किसने बनाई कि मरे हुए जानवर का चमड़ा हरिजन और दलित छीलेगा, ये जाति किसने बनाई कि कुम्हार बर्तन बनाएगा, ये जाति किसने बनाई कि यादव सिर्फ दूध दुहेगा, ये जाति किसने बनाई? हजारों सालों से जिस जाति के नाम पर जो लोग समाज में श्रेष्ठता के और शोषण के प्रतीक रहे, वो चाहते ही नहीं है कि जाति टूटे। और जाति टूटेगी कैसे? जाति माननी, मनोज आप भी इसी जाति पर गुलमुंडी मार कर बैठे रहे। हमारे गांव देहात में कहावत है, गुलमुंडी समझते होंगे आप। मायावती ने 2011 में, मायावती 2011 में प्रमोशन में आरक्षण ले आई दलितों के लिए। सवाल करें फिर। आपको सबसे ज्यादा नागवार गुजरा, आपने संसद में समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया। देखिए, और जब 12 में सरकार में चुनकर आए, सबसे पहले खारिज किया उसे। देखिए मायावती जी क्या लाई क्या नहीं लाई, लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में और देश के संदर्भ में, अब आपको मैं ले जाना चाहूंगा थोड़ा 1977 में, जब जनता दल की सरकार बनी, तो वो कौन लोग थे जो जातिगत जनगणना की और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो वो उसकी बात किए? निश्चित रूप से मुलायम सिंह यादव ने करा, लालू प्रसाद यादव ने करा, नीतीश जी ने करा। आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि उधर खड़े हैं, इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं। तो हम तो हमेशा से उसके साथ खड़े हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो लोग शोषण के प्रतीक हो, आपको तो मैंने बताया कि 2011 में जब जातिगत जनगणना हुई, तो निश्चित रूप से कांग्रेस भी उसकी दोषी है कि उसने उजागर नहीं करा। श्रद्धेय नेताजी ने लगातार उसकी बात करी, और उस समय के वित्त मंत्री प्रणब दा कहते थे कि हाँ उजागर होगी, नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस उसको बाद में भुगत रही है, इसमें कोई वो बात नहीं है। ये सही बात है कि 78 से आपने भी इसीलिए वो पांच सांसद 2014 में और पांच सांसद 2019, मनोज इसीलिए रह गए ना कि 12 और 17 में कास्ट सर्वे कराने का मौका था, नहीं कराया वो, पांच पर अटका लिया जनता ने। देखिए गरिमा जी, आप तो विदुषी पत्रकार हैं, समझिए ना, जातिगत जनगणना कराना संविधान के किस लिस्ट में है? तू इनकी तरह ना बात करी जाए, कुछ संविधान की भी बात करी जाए, वो तो यूनियन लिस्ट में है। और जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार कही उस समय, हम तो कोट कर रहे हैं ना कि उस समय के वित्त मंत्री प्रणब दा ने कहा कि हाँ हम कराएंगे, तब नेताजी उसे मुतमईन हुए और फिर उन्होंने उसके आंकड़े उजागर नहीं किए। लेकिन अब सवाल है जो इंदिरा साहनी का कह रहे हैं, जो बड़े भाई है हमारे, विद्वान भी है, अब तो जब 10% आरक्षण आपने अगड़ों को दे दिया, तो इंदिरा साहनी के 50% का गद तो टूट गया भाई। वो तो मुझे लगता है वो तो वैसे भी एक ढाल है मनोज, क्योंकि तमिलनाडु में अगर 69% आरक्षण चल रहा है इसी देश में। अब देखिए, मैं जयललिता कराकर ले गई ना पीवी नरसिम्हा राव से, मैं चलिए, अब मैं जरा विजय विद्रोही मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं खत्म जल्दी से। समाजवादी पार्टी का वही संकल्प है जो डॉक्टर लोहिया का था कि जातिगत जनगणना होगी, और उस विमर्श को हमारे नेता ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, सड़क से लेकर सदन तक उसको तो व्यापक किया, विमर्श चलेगा विजय, ये विजय सरकार बनेगी, ये जो झारखंड और महाराष्ट्र में बढ़ेगा कमिंग।